जानना चाहते हो कि क्या है वो परफेक्ट टाइम फ्रेम जिसमें आपको वर्कआउट करना चाहिए, जिम में रहना चाहिए, इन्फ्यूज हो बहुत सारी बातें सुनकर कि 45 मिनट्स ही वर्कआउट होना चाहिए या आपका 1 आवर से ज़्यादा वर्कआउट बहुत डेंजरस है. सो सिट बैक, रिलैक्स, बिकॉज आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाने वाली हूँ हाउ लॉन्ग यू शुड बी ट्रेनिंग इन द जिम और हाउ लॉन्ग शुड यू बी वर्किंग आउट इन द जिम. कमिंग अप. व्हाट्स अप केनर, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड, टू अनदर वीडियो. आप एक इंटरमीडिएट हो, अगर एक बिगिनर हो, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बॉदर करता होगा मेनी टाइम्स के आपको क्या वर्कआउट, कितनी देर तक जिम में रहना है, कितनी देर तक एक करेक्ट लाइक वर्कआउट करना है, क्या सेफेस्ट है क्या नहीं. एंड पीपल ऑफन आस्क मी दिस क्वेश्चन ऑन माई इंस्टाग्राम, आई एम लिंकिंग इट हियर, सो मेक श्योर यू गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. पीपल ऑफन आस्क मी कौन सा करेक्ट टाइम है जिसमें हमें वर्कआउट खत्म कर देना चाहिए, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि क्या आपके लिए करेक्ट टाइम है. बट उससे उसमें पहुंचने से पहले मैं एक बात को क्लियर कर देना चाहती हूँ. अगर कोई कहता है आपसे कि 45 मिनट से ज़्यादा, 30 मिनट से ज़्यादा, 1 आवर से ज़्यादा आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो, इट्स डेंजरस फॉर यू, या फिर एक सेड टाइम है अकॉर्डिंग टू साइंस ब्ला ब्ला ब्ला, देन इट्स एब्सोल्युटली क्रैप. ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक स्टैंडर्डाइज टाइम नहीं होता है गाइज, लेट मी बी वेरी क्लियर, कोई स्टैंडर्डाइज टाइम नहीं होता है. द टाइम यू स्पेंड इन द जिम डिपेंड्स ऑन मेनी रीजंस, और वो रीजंस मैं अभी आपको वीडियो में आगे समझाने वाली हूँ सो दैट आपको पता चले कि आपके लिए क्या करेक्ट टाइम है. बट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, आई एम जस्ट सेइंग कि हर इंसान अलग है, हर इंसान की कैपेसिटी अलग है, हर इंसान की इवन उसका लेवल लाइक बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस भी अलग, एंड हर किसी का सिस्टम द बॉडी इज डिफरेंट. सो कोई भी एक स्टैंडर्डाइज टाइम हर इंसान के लिए नहीं हो सकता, वो भी डिफरेंट होगा. यू गेटिंग माई पॉइंट राइट? सो अगर अब आप ये बात समझ गए हो, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द पॉइंट जो माइंड में रखने हैं व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ के कितना टाइम आपको स्पेंड करना है, वर्कआउट टाइम आपके लिए परफेक्ट है. सो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं जो कि है आपका फोकस. ये सबसे ईजीएस्ट वे है आपकी बॉडी का पता करने का, आपको पता करने का कि आप कितनी देर तक वर्कआउट कर सकते हो और कितनी देर तक नहीं. क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत मोटिवेटेड गए जिम में एंड आप काफ़ी हैवी लिफ्ट कर रहे हो, अच्छे से लिफ्ट कर रहे हो, बट आप हाफ वे वर्कआउट में या मोर देन हाफ वे वर्कआउट में अभी आपके थोड़े से वेरिएशंस बाकी हैं, बट यू स्टार्ट टू लूज द फोकस. वो फील होने लगे यार दिमाग थोड़ा उससे हट रहा है, यू थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स कि अभी तो मुझे घर जाके ये भी करना है, हैव टू जस्ट फिनिश इट अप एंड ऑल. सो जब तक आपका फोकस है, जब तक आपका वर्कआउट है, ये मैं आपको समझाऊँ अगर तो जैसे CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका बहुत कनेक्शन है हमारे वर्कआउट के साथ. सो इफ़ यू आर नॉट फोकस्ड टूवर्ड्स द सेट, टूवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ द सेट्स, देन दैट मीन्स यू नीड टू स्टॉप वर्किंग आउट. मे बी इट्स द वे ऑफ योर CNS, ऑफ योर बॉडी टेलिंग यू दैट यू नीड टू स्टॉप. आज की कैपेसिटी इतनी ही थी भाई, बहुत हैवी लिफ्ट कर लिया, इससे ज़्यादा आज कैपेसिटी नहीं है, सो आपको स्टॉप करना है. सो मे बी हर दिन डिफरेंट होगा आपका टाइम वर्कआउट करने का. किसी दिन आपका फोकस, आपकी बॉडी पूरा सपोर्ट कर रही है, यू कैन गो अप टू 1 आवर. सिंपल एक फॉर्मूला, यू कैन, नो फोकस इज इक्वल टू नो माइंड टू मसल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग आउट. सो माइंड टू मसल कनेक्शन नहीं है, फोकस नहीं है, दैट मीन्स एंड ऑफ द गेम, स्टॉप वर्किंग आउट. Now, from a simpler way of getting it, now let's move ahead. थोड़ा technical way से हम कैसे पता लगा सकते. The next step in है वो है आपके sets, आपके reps और आपका temp. ये थोड़ा technical है तो please इसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से सुनो. So ideally, first let's start with the sets. सो आइडियली होता क्या है गाइस कि अगर आप एक बिगनर हो से इंटरमीडिएट हो, जैसे हम यहाँ मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, सो मसल बिल्ड कर रहे हो, हाइपोट्रोफी टाइप ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मैक्स सेट्स होने चाहिए समवेयर अराउंड 15 टू 16 टोटल सेट्स, जिसमें आपकी वेरिएशंस रहनी चाहिए 5, 6 या 7 वेरिएशन. कुछ लोगों के लिए बहुत कम हो सकता है, बट गाइज यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग मसल, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. सो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. अभी मैं आपको एक बात और बताती हूँ, दिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग यू कैन डू. नाउ इफ
यू आर ट्रेनिंग विद ऑल द फोकस यू हैव, विद ऑल द इंटेंसिटी यू हैव, अच्छे से अच्छा हैवी लिफ्ट कर रहे हो, अच्छी फॉर्म से लिफ्ट कर रहे हो, 16 सेट्स 5-6 वेरिएशंस आप ये सारी चीजों के साथ करते हो, उसके बाद भी इफ यू हैव द कैपेसिटी टू डू 2 मोर वेरिएशंस, मे बी समवेयर अराउंड 5 मोर सेट्स, देन I have always told you guys that everybody's body is different, everybody's capacities are different. You should do you. So do you. You can do that. But I'm just giving you in this video a generalized idea what is for everyone. And now let's talk about the reps. Yeah. The reps. Kitni honi chahiye when you are trying to do muscle building kind of workouts. So aapki reps chahiye somewhere around 8-15. बात करते हैं टेम्पो की. सो टेम्पो क्या होता है एंड क्या है ये टेम्पो, दैट साउंडेड सेम. एनीवे व्हेन इट कम्स टू मसल बिल्डिंग यू कैन नॉट इग्नोर टाइम अंडर टेंशन. TUT. So TUT type of training is a blessing when it comes to muscle building. So TUT मैंने अपनी सारी videos में, previous videos में हर वक्त बात की है क्या होता है, but if you are new here, I'm explaining it थोड़े short way में. You can go later and watch the videos anyway. जितनी देर तक आपका muscle workout करते हुए tension में रहता है उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि जितनी देर मसल टेंशन में उतने मसल फाइबर्स आप तोड़ रहे हो, उतना ही मसल को अच्छे से टारगेट कर रहे. TUT मदद करता है वो करने में, सो दैट आप ज्यादा मसल फाइबर्स तोड़ो, फिर वो आप रिकवर करो एंड उससे ज्यादा आप रीबिल्ड करो. TUT में क्या होता है, डूइंग अ बाइसेप कर्ल. When you come up, this is the concentric phase. When you go down, this is the eccentric phase. So, TUT में बहुत सारे टेम्पोज होते हैं. So, मैं एक बहुत ईजी वे में आपको एक टेम्पो देती हूँ जो मैं प्रेफर करती हूँ. इट्स लाइक कॉन्सेंट्रिक फेज इज लाइक 1 सेकेंड एंड वेन यू गो डाउन इट शुड बी स्लोअर देन योर कॉन्सेंट्रिक फेज. मतलब 2 या 3 सेकेंड्स में आपको नीचे जाना, मतलब स्लोली आपको नीचे जाना है. लाइक 1, 1, 2, 3. समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ. आप सोचो यही चीज आप 10 का डम्बेल या 20 का डम्बेल उठा के कर रहे हो और उसको स्लो ले जा रहे हो, तो सोचो कितनी मसल में टेंशन आएगी, कितना मतलब आप हिट करोगे एंड माइंड टू मसल कनेक्शन विल बी अमेजिंग. यू विल थैंक मी लेटर इफ यू ट्राई दिस एंड इट विल वर्क फॉर श्योर. अगर आप टाइम अंडर टेंशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग करते हो तो आपका पर रेप टाइम है, टाइम इंक्रीज होता है. वो कैसे, क्योंकि जैसे आप 15 रेप्स कर, रेप अगर 1 सेकंड में कर, पहले आप करते 1, राइट, 1 सेकंड के अंदर हो गया, बट नाउ टाइम इज इंक्रीजिंग 1, 1, 2, 3, 4 सेकंड्स या 3 सेकंड्स, 3 रेप्स. तो इंटू और 3 का टेम्पो कर रहे हो, सो 15 इंटू 3, सो वो और बढ़ जाता है. एंड समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ. आई एम नॉट डूइंग द मेजर कैलकुलेशंस फॉर यू गाइस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरलाइज आइडिया कि अगर टाइम अंडर टेंशन करते हो तो उससे भी आपका टाइम ज़्यादा बढ़ता है. तो इट डज नॉट मीन कि अगर आपका वर्कआउट 45 मिनट से 5 मिनट ऊपर हो गया या 1 घंटा ऊपर हो गया तो इट्स लाइक अ डेंजर जोन यू आर एंटरिंग. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारी ट्रेनिंग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं व्हेन यू आर वर्किंग आउट, तो उस वजह से भी टाइम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है. कम भी हो सकता है क्योंकि आप जैसे अगर आप TUT type of training कर रहे हो, so that is very demanding on your CNS, that is very very demanding on your body. So हो सकता है कि अगर आप normal type of workout कर रहे होते तो आप 16 sets जैसे मैंने आपको बोला वो ही करते, but अगर आप TUT type of training कर रहे हो with can say the max focus mind to muscle connection के साथ, max intensity lifting heavy or progressive overload and also TUT, मतलब quality over quantity type of workout कर रहे हो, तो फिर हो भी सकता है कि आपकी capacity बोले कि 12 sets तक ही आप ये सब कर सकते हो और बाकी आपके 13 और 15 set जो जा रहा है वो focus कम हो गया है, TUT नहीं कर पा रहे हो, हिम्मत नहीं हो रही है, so then maybe the magical number is 12 sets for you and not 16. So it depends on your capacity and doing quality type of workout. So I hope आप समझ रहे हो कि time does not matter, all these little points, and also it's you who matters. So be it 45 minutes, be it 1.5 hour, be it 1 hour, it's perfect if all these things are in your workout. So I hope you get the idea and I hope I have answered it well. So if you like the video, make sure to give this video a like and please ek kisi friend ke sath share kar do jo beginner hai, jo is question se pareshan rehta hai, and leave me in the comment section agar aapko ye video achhi lagi ya koi bhi aapke aur thoughts ho ya koi aur topic pe chahte ho main video banau, and I will see you guys in my next video. Bye guys.